जय हिंद। देखिए, एक सरकारी संस्था SSC को खुद अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारापन की वजह से आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये SSC अपने आप को गजनी समझती है। मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, SSC को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है। एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। चार चार साल लगता है, 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये SSC ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे, इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी हो जाता है। मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए, स्टूडेंट और टीचर को साथ दो दो समस्या है। टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में SSC से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के साथ में ये समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारी भैया फेयर एग्जाम होना चाहिए। SSC का कोई कायदे का कैलेंडर नहीं है। इवन हर एक एग्जाम की बात करें, किसी को यह नहीं पता है कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म निकलेगा। लड़का आराम से, तो ये कोई पता ही नहीं उसको कब आने वाला है। एग्जाम अगर हो गया तो जब एग्जाम का क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसी समय आंसर सबको पता आता है। जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको पता है भैया आपका एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम के बाद आप आंसर की अपलोड कर दीजिए ना, कि एक हफ्ते बाद आंसर की अपलोड कर दीजिए। इससे लड़के को पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसको कम से कम आइडिया तो लगेगा, पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से वो लगभग में एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन नहीं, आप तो एग्जाम लेंगे 2018 में, रिजल्ट देंगे 2 साल बाद, 2 साल में वो लड़का अंधविश्वास में रह रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। वो अगली बार के लिए भी तैयारी कर रहा है, पता चला हो सकता है कि उसका इसी में रिजल्ट हो गया हो, लेकिन वो अगली बार में भी भर रहा है। इसमें उसको एक पूरी तरह से उलझा के रखना है स्टूडेंट की पूरी करियर को। इन गधों से SSC वालों से एक क्वेश्चन नहीं सेट हो पाता है। जब भी ये क्वेश्चन सेट करेंगे, इन गधों से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये बताओ, कैसे कैसे लोगों से तुम लोग क्वेश्चन सेट कराते हो या हम लोग अपने क्लास में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो नहीं गलत होता है, क्वेश्चन गलत जानबूझ के करते हैं। अब जानबूझ के मान के चलिए 5 गलत है, 5 गलत है तो तुमको क्या जाता है, लास्ट में कह दोगे कि हाँ भैया ये 5 गलत है, सबका 5 नंबर बढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ना पता है कि लड़कों को कि ये 5 गलत है, वो तो अपना टाइम उस पर बर्बाद कर रहा है। क्या पता कोई लड़का उन्हीं 5 के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद कर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन लड़का बहुत मेहनत से सॉल्व करता है। कभी कभी कुछ लड़के थोड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं हमको इसको सॉल्व करना है, आपने तो उसका एग्जाम में बर्बाद कर दिया। क्या पता उस 5 के लिए उसका पूरा रिजल्ट रुक सकता है। इन गधों से क्वेश्चन तक नहीं सेट हो पाता है। पता नहीं सरकार इनको नौकरी क्यों देती है, इनको तो ससुरों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड बना ही नहीं इन लोग के लिए। क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, किस काम के लिए बैठे हो वहां पर। हम लोग डिजिटल इंडिया में रख रहे हैं, डिजिटल इंडिया 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, और इस 5G में हम लोग की कोई वैकेंसी 5 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। 2018 की SSC 2022-23 में जाके कंप्लीट होगी। 19 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी रेलवे के लिए, अभी उसका एग्जाम 5 महीने से कंडक्ट किया जा रहा है। वो फाइनल उसकी पूरा का पूरा फाइनल होने में 19 का चुनाव उसी पे हो गया, 24 वाला भी उसी पे हो जाएगा। ये हम लोग का डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है, जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। ये है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। कोई वैकेंसी 5 साल से पहले नहीं आ सकती, मतलब पूरी क्लियर नहीं हो सकती। और एक से एक बेवकूफ वाला काम करते हैं सब, 2018 की वैकेंसी रोक के 19 का कर दो। SSC तो स्टूडेंट को प्रयोगशाला समझ गई है, इसमें प्रयोग करो। मतलब तुम टीयर टू का रिजल्ट नहीं दो और टीयर 3 का एग्जाम करा लो, और कहो कि जो जो इस रिजल्ट में पास होगा हम उसी की कॉपी चेक करेंगे। अरे गधे कहीं के, तुमको तुम पहले इनका रिजल्ट दो ना, जो पास होंगे बस उसी से एग्जाम दिलाना। नहीं, एग्जाम सब लोग दो, जो उसमें पास होंगे उन लोग से हम लोग ये वाला एग्जाम। अरे अब हाल है यार, ये कैसा लगेगा आपको कुछ दिन में। तो SSC भी यही कहेगी, एक काम करो पहले तुम लोग बच्चे पैदा कर लो, बच्चा अगर जिंदा बच गया तो तुम्हारी शादी करा देंगे, और अगर बच्चा पैदा कर दिए मर गया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। कुछ दिन में ये SSC वाले ऐसा फॉर्म निकालेंगे नोटिफिकेशन देकर। लतखोर हो गया है सब SSC वाला, 2017 से गाली सुन रहा है सब। कोई भी आदमी, मतलब कोई इनको कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब एक तरह का मानसिक अपराध कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। इन SSC वालों की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अब वो लोग फेमस नहीं है जो उनके खिलाफ कोई मीडिया में चिल्लाने वाला है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन कितने गरीब स्टूडेंट कहां से ले आएगा। जो SSC रेलवे बैंक की सबकी तैयारी करते हैं, मिडिल फैमिली से लोग आते हैं, सब लोग बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। हम रोजगार देंगे, कहां गया यहां पे SSC। गवर्नमेंट ने तो भैया SSC रेलवे को आगे थोप दिया है। जिस तरह से जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के ऊपर हम लोग दबाव बनाते थे, तो अंग्रेजों ने अपने बचने के लिए एक संस्था खड़ी कर दी, कांग्रेस, तुम लोग उससे लड़ते रहो पीछे रह जाएंगे। अभी गवर्नमेंट से लड़ने से SSC को कर दो, वो एक ही वैकेंसी 5 साल में लगा देगी, आप उसी 5 साल में लड़ते रहिए, 5-5 साल का झमेला ही खत्म, हर साल नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। लड़े रहो तुम SSC को लेकर, रेलवे को लेकर, IBPS को लेकर, वैकेंसी घटेगी वो समझे, कट ऑफ जाएगा। भाई साहब इतना बेवकूफी कभी हो सकता है कि जो लड़का 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, मतलब 100 में 100% पाने के बाद रिजल्ट नहीं होगा, मतलब क्या चाहता है। SSC को भी हैक किया जाए कुछ दिन में, ये भी होगा।
कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, आरक्षण का जो लोग जो विरोध करते हैं, मान के चलिए आरक्षण 200 नंबर का एग्जाम है, तो यही हो सकता है कि जिनको आरक्षण है उनका सिलेक्शन 150 पे हो जाए, जिन्हें आरक्षण नहीं है उनका सिलेक्शन 160 पे हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन्हें आरक्षण है 120 पे सिलेक्शन हो सकता है, यही ना हो सकता है आरक्षण में। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन थोप दी है एसएससी आपके ऊपर, आप 200 में 200 लेके आएंगे, पता चला एसएससी ने किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत हार्ड रखे हैं, किसी में बहुत लूज कर दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन में से 200 में तो 200 बना के लाए थे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हो रहा है भाई साहब, 100% में से 95% जो लड़के पा रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। आप बताइए आरक्षण खतरनाक, ये वाला सिस्टम खतरनाक हो गया। मतलब आप थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है, एक क्वेश्चन से दूसरे पेपर में थोड़ा बहुत मार्जिंग आता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट करता है सब कि किसी एग्जाम में इतना टफ आ जाएगा कि लड़का से 40-50% क्वेश्चन बन पाते हैं, किसी किसी में एकदम नॉर्मल करते। तो ये गलती एसएससी की है, उन गधों की है जो इसका क्वेश्चन सेट करते हैं, आधा तो उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत मार देंगे सब, उसमें से लेवल अलग कर देंगे। इन गधों को निकालिए, एसएससी को रिफॉर्म की जरूरत है, और इनकी सजा स्टूडेंट्स को नहीं भुगतना पड़े नॉर्मलाइजेशन के रूप में। ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगी। इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है, इन लोग कोई भी हो गया यहां पे, एक कोई भी चैनल को आप देखेंगे, इन लोगों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह पाता है यहां पे। हद देखिए मीडिया, एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से, जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी पे बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी पे बहस हो रहा है यहां पर, और ये लोग जीडीपी पे बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे लड़ाता है सब, और हम लोग के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम यहां पर, ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना, ट्विटर मतलब मोबाइल वोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए, वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा, स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता, आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़े निकलेगा। हाँ अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे, नेपोटिज्म यहां नहीं दिख रहा आपको एसएससी का नेपोटिज्म। मीडिया तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं, टीचर्स को स्टूडेंट को मुद्दा उठाना पड़ेगा। एसएससी का जो हुआ था, बहुत सारे लगभग पूरे इंडिया के टीचर्स ने मुद्दा उठाया, तो जाके मजबूरी में रेलवे का एग्जाम देना पड़ा। अब एसएससी के लिए उठा रहे हैं लोग, तो अब एसएससी करेगी, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं कि बार बार हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा। इनको एसएससी वालों को शर्म नहीं आती है तुम लोग को, ट्विटर पे तो मेन ट्वीट कराना हम लोग को 25 फरवरी को, ट्रेंड तो उस दिन होगा, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, लेकिन अभी से ट्वीट पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार, मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको, आपको समझ में नहीं आता रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहां बोलेगा अपने मन की बात, आप खुद बताइए आपका। अब इन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है, कोई बात नहीं हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब, 2017 का बात बता रहा है। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब, यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंसली देख रहे हैं ना, आपको ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है, यहां पर मुद्दा ही नहीं है यहां रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए, अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए, हैशटैग मोदी रोजगार दो, इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बतइबे नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत हो रहा है, एसएससी का क्वेश्चन ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। और ना मोदी जी अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे, आपको भी नहीं पता है, नहीं पता है तो जानिए आप, देश आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार हैं, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है, 2-3 लाद दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आग बंद करके रखेंगे। तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे भाई रोजगार मांग रहा है, भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो गार्जियन को भी कहते हैं, आप लोग भी समझिए, सबको ये ट्वीट करके 25 तारीख से पहले ही इसे एक नंबर पर ट्रेंड करा के ले जाना है। देखिए स्टूडेंट की तकलीफ क्या होती है, अब आप
खुद समझिए स्टूडेंट कितनी मुसीबत से जूझ रहा है सब। गार्जियन स्टूडेंट को बोल रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, जबकि स्टूडेंट पूरा में पूरा मार्क्स लेके आ रहे हैं सब। आप कितना मतलब आपको मेन समस्या किस बात को लेके डर लग रहा है एसएससी को लेके? सर मेन समस्या मुझे इसी बात का है कि हमने 200 में 200 नंबर लाने के बाद भी मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स नहीं आउटपुट किया जाता है। मतलब एसएससी मार्क्स नहीं बता रही है यहाँ पे, तो ये तो उसकी आप खुद सोचिए यार, मार्क्स नहीं बता, 200 में 200 लड़का ले आने के बाद रो रहा है कि नहीं हो पाएगा। माँ बाप के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे? सर माँ बाप की तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, सारी उम्मीदें अपने बच्चे को जब बाहर भेजते हैं तो पढ़ने के साथ ही उनकी जुड़ जाती है, तो उन्हें जुड़ने के बाद उनको मतलब यही सोचती रहती है कब उनके बेटे या कब उनके बेटे को जॉब लगे। मतलब माँ बाप को क्या लगता होगा कि आप पढ़ाई मन से नहीं कर रहे? जी सर बिल्कुल यही ना लगेगा, जब माँ बाप को अगर जब तक ज्वाइनिंग नहीं लेटर मिलता तब तक तो उनको कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चे तो सिर्फ मार्क्स लाते हैं, माँ बाप को इतनी जानकारी कहाँ रहती है कि उन्हें मार्क्स के बारे में पता चल सके, वो तो बस ज्वाइनिंग लेटर जानना चाहती है। अब जरा आप सोचिए, आप लोग 200 में 200 लड़का लाने के बाद रो रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। मतलब यार पागल समझ के रख दिया सब स्टूडेंट, मतलब सर मन करता कभी कभी सर लड़ा ले यार, कैसे 200 से का 250 लाएगा 200 में से, मतलब किस दुनिया से आ रहे हैं सर ये पागल सब, जो स्टूडेंट की करियर को बर्बाद कर रहा है सब। गार्जियन लोग को भी कहते हैं यार हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं यार, जो भी टीचर हैं या जो भी स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए उठा रहे हैं, कल को आपका बेटा भी यहां आएगा और ऐसे ही वो भी परेशान होगा। आपको क्या लगता है कि आपका लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेचारा 200 में 200 ला रहा है और रिजल्ट नहीं होगा? गार्जियन आप लोग को भी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसको ट्वीट को ट्रेंड कराइए, कैसे भी करके आपको सरकार से मनवाइए, वरना आपका भविष्य आप अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अब क्या करेगा, लड़का जान दे देगा और सुसाइड करेंगे सब ऐसे ऐसे मजबूरी में, तो आप लोग कहेंगे कि लड़का गलत है। देखिए मोदी जी, हम आपसे क्या बोले, मन की बात आप हम लोग से सुनते नहीं है, तो फोटो से बतियाना पड़ रहा है आपके, आप क्या करेंगे? आप ही बोले थे कि मित्रों हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम तो बोले नहीं थे, और आप हर साल घटाते जा रहे हैं यहाँ पे, और ये एसएससी रेलवे आईबीपीएस ये दिन पर दिन धांधली करते जा रहा है, ये कब काम चलेगा? आप छोटा सा छोटा काम करते हैं, हम लोग करंट अफेयर के इशू पे उसको हर चीज आपकी अच्छे से चीजों को छोटे छोटे चीजों को बताते रहते, लेकिन ये सब कब तक चलेगा यहाँ पे? मतलब आप क्या समझ गए स्टूडेंट को, मतलब एसएससी वगैरह वालों को कुछ समझाइए, नहीं तो खुद एक बार मन की बात कीजिए इस मैटर पे और कहिए कि हमने मतलब रोजगार दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जितने टीचर जो हैं ये या फिर ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है, जितने स्टूडेंट हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक दिन आप ही वीडियो आइए बना के कि भाई जितने स्टूडेंट हैं ये भाग गए हैं या टीचर भाग गए हैं, फिर कमेंट सेक्शन ऑन रखिएगा। फिर दिक्कत तो होता है स्टूडेंट सबको, बात समझिए, कौन किससे मांगेगा कोई? अब आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आप सब लोग ट्वीट सावधानी से कीजिएगा, हैशटैग मोदी रोजगार दो। देखिए कोई कहीं कहीं स्पेलिंग गलती है, कहीं कुछ है, तो इसमें ट्वीट में दिक्कत आने लगता है। एक ही ट्वीट को आप बार बार रीट्वीट कर सकते हैं, ये आप ही लोग के लिए है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जो बीमारी एसएससी में है वही रेलवे में है वही आईबीपीएस में, सबको कम बेस वही होते जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन करेंगे सब, किसी को कैसे भी करके चौपट कर देगा सब, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट बाकी लोग को भी एक जरूरी आपको इन्फॉर्मेशन, देखिए कोई फर्जी मेरा फोटो यूज कर रहा है और यहां लिखा है खान सर क्लासेज, और ये बकायदा भीम ऐप का यूपीआई से लोगों से पेमेंट मंगा रहा है, अरे यार कभी खुद सोचो, ये हमारा नहीं है, हमारा ऑफिशियल चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये लोग तो कई एक लड़का इस पे पेमेंट दे दिया और आके कह रहा है कि सर हम सपोर्ट कर रहे हैं आप भी के, भाई हम लोग पैसा मांगेंगे मतलब भीम ऐप से, और रिपोर्ट करो ऐसे लोगों को। आप लोग को भी समझ में नहीं आता, हमारा कोई भी ऑफिशियल वीडियो रहेगा वो शुरू होगा जय हिंद बोलकर और खत्म हो जाएगा जय हिंद बोलकर। अगर जय हिंद बोल के नहीं शुरू हो रहा, मेरा ऑफिशियल नहीं है वो, कहीं कहीं से थोड़ा 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 एक घंटे के क्लास में से काट के लाए गए, लोग इसको देख कैसे देते? लड़कों को भी बुद्धि समझ में नहीं आता है कि कोई किसी का फोटो लगा के यूज कर लेगा, अब यहां बताइए सपोर्ट मी ये कर, ये मेरा थोड़ी रहता है ये सब, तो इसमें कम से कम समझिए। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई फर्जी में कि ये खान सर का ये एप्लीकेशन है खान सर ऑफिशियल, यहां कोर्स ले लीजिए, भाई मेरे एप्लीकेशन पे क्लासेस बंद हो जाते हैं तो एडमिशन नहीं होते, अब वहां जाके लड़के पेमेंट करते, आपको समझ में नहीं आता, अनऑफिशियली करेंगे तो कोई क्या करेगा आपको, इसको कौन पेमेंट कर रहा है, सबको रिपोर्ट कीजिए, जितना आलतू फालतू जो मिसयूज कर रहे हैं सब, इससे आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरी भी खराबी होगी, भाई हम कितने, ये तो स्टूडेंट ने हमको ले आके स्क्रीनशॉट दिया तब हमको समझ में आया कि ऐसा भी गड़बड़ हो रहा है। इस तरह के फ्रॉड से बचिए, मेरे नाम पे गलत गलत जगह पे लोग ट्विटर फेसबुक यूट्यूब बना के रखे हुए हैं, जो भी चीज है मेरे यूट्यूब
चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ट्विटर अकाउंट है, वहाँ फेसबुक है, वो ओरिजिनल है, आप वहाँ जाके रीट्वीट कीजिए, फॉलो कीजिए, जो करना है वहाँ से कीजिए, अदर फॉलो में मत कीजिए, जो चीज़ रहेगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लीज़ इस तरह यहाँ पे हमारे लिए भी थोड़ा देखिए, हमारे लिए गलत हो जाता है कोई मेरा फोटो नाम लेके अगर किसी को उल्टा सीधा करता है तो लोग हमारे बारे में सोचेंगे ना, फिर हम कहीं आगे जाके मेरा मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए आपको जो भी करना है ट्विटर वगैरह का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ट्विटर का, वहाँ से फॉलो करें और ट्वीट करते रहेंगे। देखिए एसएससी उधर घोटाला कर रही है, ये सच रहा मेरे नाम पे घोटाला कर रहा है, उधर रेलवे में क्वेश्चन गड़बड़ हो जा रहा है, किसी पेपर में टफ आ रहा है, कभी कभी ईजी आ जा रहा है, तो इस सब के लिए आप भी जिम्मेदारी रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि 25 फरवरी सुबह 11 बजे हम लोग ट्विटर पर एक बहुत ही भीषण ट्रेंड कराने वाले हैं पूरी दुनिया में, ताकि एसएससी को होश में आए कि स्टूडेंट के लाइफ से खिलवाड़ करना सही नहीं है। यहाँ हर स्टूडेंट की जिंदगी बराबर है, चाहे वो गरीब का है चाहे अमीर का है। लेकिन ये मीडिया को भी समझना चाहिए, भाई गरीब स्टूडेंट है, मिडिल फैमिली से आते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसमें सुधार की जरूरत है। अगर वाले लोग नहीं, मीडिया वाले लोग, आप लोग अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो बहुत दुर्दशा होने वाला है एक दिन आप लोग का। आई होप आप इसको ट्रेंड कराएंगे, और अभी से ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड कराएंगे क्या, एकदम फिक्स है कि 25 तारीख को ट्रेंड होगा। फिर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।